जन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इससे पहले हम लोगों ने ग्रुप फाइव ए जो है उसको फिनिश किया है ग्रुप फाइव ए के अंदर हमने इंडिपेंडेंटली बात की नाइट्रोजन कम्पाउंडस के बारे में नाइट्रोजन कम्पाउंडस में वी टॉक अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड देन आफ्टर दैट वी टॉक इन मोर डिटेल अबाउट फॉस्फोरस वी टॉक अबाउट फॉस्फोरस ऑक्साइड्स फॉस्फोरस क्लोराइड्स एंड फाइनली ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस और इन सब के बारे में हमने डिपेंडेंटली खासी डिटेल के अंदर बात की टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रुप सिक्स ए एलिमेंट्स ग्रुप सिक्स ए बेसिकली कंप्राइज ऑफ ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम टलोरियम एंड पोलोनियम दीज आर दाइव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिक्स ए ग्रुप सिक्स ए में जो सबसे मेजर एलिमेंट्सिंग अबाउट मल्टीपल टाइम एंड सिल्फर एंड टू डे विल बी गेटिंग एन इंट्रोडक्शन इन टू देर प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम इनका आपस में कंपेरिजन करेंगे. So, करेंगे उससे आपको इन दोनों के बारे में एक तो जनरल इंफॉर्मेशन भी पता चलती जाएगी ऑक्सीजन और सिल्फर के बारे में एंड विल बी गेटिंग टू नो मोर अबाउट

And on the right hand side we'll be writing about sulfur. Alright. So the first thing which is similar between oxygen and sulfur is the electronic configuration. Electronic configuration jo hai, if you say in dono ki wo kaisi hai oxygen has the atomic number of 8. Hai. So if you write the electronic configuration 1s टू फर्स्ट शेल फर्स्ट के एस शेल के अंदर दो आ जाएंगे फिर उसके होता ही सिर्फ एस है उसके बाद यू मूव टू पी सॉरी एस ऑफ द सेकेंड शेल अगेन टू टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके बाद यू हैव पी टू पी के अंदर यूल टोटल ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट सेट टोटल आपने आठ डाले थे टू पी के अंदर टोटल छ आ सकते हैं आपने चार डाल दिए ऑल राइट सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो इसके फाइनल शेल की है इट इज ऑफ द फॉर्म एन एस टू N, p, 4, where N एन the फोर the, the outermost shell, the second shell. Or in the present case, this is L shell. Okay. In case of इज if you say इनकेस has an atomic number of sixteen, अटोमिक sixteen. So सिक्सर के आपने सोलह इलेक्ट्रॉन्स को हैं. It will make one s two, two s two, two p के अंदर टोटल six आ जाएंगे seven, eight, nine, ten हो चुके हैं अभी छालने थ्री एस के अंदर आ गए दो इलेक्ट्रॉन्स, एंड थ्री पी के अंदर आ गए कितने हो गए, बारह हो गए चार रह गए ये लो जी, चार हो गए टोटल आर टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगेन मोस्ट्री एंड आउटर मोस्ट शेल की जो कन्फिग्रेशन कुछ यूं बन रही है एन एस टू एन पी फोर वेयर एन इज थ्री एन इज एम शेल ऑल राइट सो दिस इज अमिलर थिंग बिटवीन दीज टू Because they have the same outermost, the valence shell electronic configuration. And definitely, they the same. They the same. So they must have the same electronic configuration. This is your first similarity. Now let's move to the other points. The second thing is that divalent nature. Divalent nature. डायवेलेंट नेचर मीन्स कि ऑक्सीजन जो है इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ माइनस टू ऑल राइट या डायवेलेंट इट्स बेटर टू राइट इन दिस वे के दो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है ऑक्सीजन वेन एवर इट मेक्स बॉन्ड्स विद एनी अदर थिंग फॉर एग्जाम्पल यू नो इन कार्बोनाइल कंपाउंड इट बॉन्ड्स इन दिस वे सिमिलरली सल्फर की भी यही नेचर है कि इट मेक्स टू कोवलेंट बॉन्ड्स ठीक है सल्फर डबल बॉन्डेड विथ कार्बन एंड सिमिलरली ये बाकी दो कार्बन के बॉन्ड्स किसी और चीज़ के साथ मिले हुए होंगे फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू के आपने हाइड्रोकार्बन के बारे में सुना है ना आप अपनी बल्कि आधी बुक जो है आगे हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते रहोगे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर आपके पास अल्केंग, अल्केंग, आ जाते हैं उसके बाद जो है कार्बोक्सिलिक यू हैव कार्बोक्सिल्सिटोर उन तमाम के अंदर यू ऑफन आर अल्कोहल्स अल्कोहल्स ऐसी चीजों को कहते हैं इन विच यू हैव ऑक्सीजन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ऑक्सीजन हैव अ कार्बन आइटम ऑक्सीजन इज मेकिंग टू बॉन्ड्स सो इट इज डायलेंट नेचर फॉर टू एंड टू बॉन्ड्स राइट एंड इन ऑल ऑफ़ इड्रोकार्बन अगर आप कार्बन में ऑक्सीजन कार्बन uh, के साथ ऑक्सीजन की बजाय सल्फर रिप्लेस कर दो सो देर इज कैटेगरी ऑफ कंपाउंड विच आर अगेन हाइड्रोकार्बन बट हम इनको ओवरऑल थायो कंपाउंड बोलते हैं वी कॉल देम थायो कंपाउंड ठीक है यू विल स्टडी लिट इन इन द लिटरेचर इन दिस बुक था होते हैं थायोन्स होते हैं थायल्स होते हैं तरह हम कहते हैं ना अल्डीहाइड्स होते हैं अल्स कीटोन्स होते हैं थायोन्स होते हैं ठीक है अल्कोहल्स होते हैं इसे थायोल्स होते हैं ठीक है सो थायो इज द की वर्ड यू नीड टू रिमेंबर जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को आप स्टडी करें थायो वर्ड आ जाता है इट एक्चुअली मीन्स कि उसमें हुआ यह है कि आपने ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगाया हुआ है दो हीस टू राइट सो दिसरी इंपॉर्टेंट ने फर्स्ट पॉइंट वॉज द इलेक्ट्रॉनिकेशन ऑफ दस इलेक्ट्रॉन इज सिर नाउ लेट्स अबाउट ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो एलोट्रॉप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड वट आर द दलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन यू हैव गैसियस ऑक्सीजन विच इज ओ टू जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है कि दो ऑक्सीजन एटम्स आपस में डबल बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं ठीक है जो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में देर आर टोटल ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स सो यू स्टिल हैव टू लोन पेयर्स ऑन ईच ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स ऑल राइट दीज आर लोन पेयर्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन इन द गैसिय स्टेट एंड देर इज अनदर एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन विच इज कॉल्ड ओ थ्री This is not gaseous oxygen, this is called ozone. And in the structure you have an oxygen at the center, two oxygens bonded with this oxygen. Alright. And then one of these two bonds is a double bond. So because of this, oxygen to bonds pure hog. This oxygen has an extra bond. Alright. So this will have let's say a negative charge or a positive charge. It will have actually a positive charge, and this will have actually a negative charge. And similarly, this keeps switching der baad hota hai, ki this becomes a single bond and this becomes a double bond, and the charge is also shifted. all right? I'm not actually sure which, of, which one of these will have a positive or a negative charge. You can think about it very easily. Um, it actually is this way ki aapne hota hai, ki se oxygen apna hai, ki extra electron. De diya so I think I am drawing it the correct way. So this is how the structure of ozone is. So there are two allotropes of oxygen. Similarly, there are allotropes of sulfur too. Which you have already in your course. For example, you have studied rhombic sulfur. And you have studied monoclinic sulfur. And you have studied uh, plastic sulfur. एंड यू हैव सीन के रॉम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर्स जो होते हैं दीज आर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सल्फर एंड द प्लास्टिकलीचर में एग्जिस्ट नहीं करते इसके जो एटम्स होते हैं इनसाइड द स्ट्रक्चर फॉर योर रेफरेंस यू कैन लुक एट दिस फिगर जो आपको सबसे लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है दिस इज रोम्बिक सल्फर ऑन द राइट साइड यू हैव मोनोक्लिनिक सल्फर एंड ऑन द राइट मोस्ट यू हैव Um, the plastic sulfur okay monoclinic sulfur you have needle like structure and we will want let's not go into that detail this is this is basically about allotropes the fourth property which is similar between these two uh, sulfur and oxygen is the polyatomic molecules now दिस इज इट सेल्फ अ प्रॉपर्टी कि ये दोनों मोलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ठीक है इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन इट एग्जिस्ट एज ओ टू मॉलिक्यूल्स ठीक है और इनोजॉन अगर आप बात कर रहे हो तो वो थ्री के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सो दे यहाँ पे देखो दो आपस में जुड़े हुए हैं इफ यू टॉक अबाउट सल्फर सल्फर भी पोलियोटॉमिक यानी मल्टीपल आइटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं एस टू या एस एट की फॉर्म में सल्फर एग्जिस्ट करता है ठीक है सल्फर में जो आठ आट आइटम्स आट होते हैं वो एस 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 कुछ इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं आर टोटल ऑफ एट एटम्स ठीक है एसेट को आप मत समझा करो कि दो ऐसे हैं जिन्होंने आपस में आठ बॉन्ड्स बनाए हुए हैं ठीक है इन इट इट दिस इज सिंपली लाइक दिस ठीक है तो एस टू और एसेट की फॉर्म में अगेन यू कैन सी मल्टीपल एटम्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर सो पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल सिमिलरली ऑक्सीजन हैज अ हैजोली एटॉमिक इट्स नॉट मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक हम बोलते हैं मसलन अगर आप देखो नियॉन uh, गैस का स्ट्रक्चर देखो या ज़ीनॉन का स्ट्रक्चर देखो या रेडॉन का स्ट्रक्चर देखो द नोबल गैसेस दे एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स नियॉन इटसेल्फ द एटम इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल बिकॉज़ इट एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली वी कॉल इट अ मॉलिक्यूल बट इट इज मोनोएटॉमिक ये किसी और के साथ बॉन्डेड नहीं होता ऑलराइट सो फॉर वी हैव सीन फोर्थ प्रॉपर्टीज विच आर सिमिलर बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर द फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज सिमिलर बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर इसके जो मेटल्स के साथ जब ये बॉन्ड बनाते हैं मेटल बॉन्ड्स तो उसमें ऑक्सीजन भी माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एंड सल्फर भी माइनस टू ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एंड असेंशली दे मस्ट बिकॉज इसमें आपने देखा था ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन थी इट वॉज समथिंग लाइक दिस

टू पी फोर के अंदर आपको ये बता रहे इलेक्ट्रॉन तो तो, तो, होता है वो यूं पेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सो दीज आर ऑर्बिटल्स जिनको अगर एक एक ये दो बॉन्ड्स अगर ये कोवल एन बॉन्ड्स बना दे या दो इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए तो इसके ऊपर ओवरऑल कंपाउंड पे माइनस टू चार्ज आ जाएगा और एक जो इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर से वो यहां पर और एक जो आएगा वो यहाँ पे रिजाइड कर देगा ओवरऑल दे विल अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन सो सेम इज टू फोर थ्री एज टू थ्री पी फोर बस आप यहां पर थ्री लिख दो और ओवरऑल इसमें भी अगर आप दो इलेक्ट्रॉन्स मजीद डाल दो सल्फर में सो इट अटेन्स द नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैस नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन ऑक्सीजन के केस में इट अटेन्ज द नी ऑन की कन्फिगरेशन ठीक है एंड सल्फर अटेन्ज द इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आरगोन

ठीक है ये भी कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है और ये भी कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है दिस इज वेरी ऑब्वियस एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर वाटर में यू हैव ऑक्सीजन इट देंटर टू हाइड्रोजन ऑन द साइड नाउ वाई डिड आई टॉक अबाउट वाटर बिकॉज वाटर में जो ऑक्सीजन के साथ चीज लगी हुई है वॉट इज दैट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट कार्बन डाइक्साइड इन विच यू है कार्बन स्ट्रक्चरली हियर ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विदू हाइड्रोजन विद्ड हियर दॉन्डेड विद कार्बन विच इज अटल एंड हियर ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन विच इजन मेटल एंड ऑल कोवल नेचर यहां पर यह नहीं हो रहा कि ये कार्बन ने चार इलेक्ट्रॉन्स दे दिए दो इस वाले को दे दिए और दो इस वाले को दे दिए ठीक है इट्स वेरी रॉन्ग टू थिंक दिस वे जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हो तो ऐसे मत सोचा करो कि CO2 है तो एक कार्बन पे प्लस चार चार्ज होता है और जनाब दो ऑक्सीजन पे जनाब एक पे माइनस टू होता है दो के ऊपर माइनस चार आ जाएगा तो ये ऊपर में कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ दिस अप्रोच इज नॉर्मली ट्रू जब आप किसी आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे होते हो बिकॉज इन आइनिक बॉन्ड एक्चुअली वो चार प्लस फोर चार्ज आ जाता है यानी उसने चार इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए होते हैं when you're talking about covalent bonds, it's not right to think this way. You minus two say minus 2 that carbon is partially positive charged and these two oxygens are partially negative charged and these two lines at the center represent electrons electron pairs which are partially shifted towards oxygen because of the higher electronegativity of oxygen. I repeat the story I am saying that actually these two lines, hai, covalent, each single covalent bond line represents two electrons and because of a higher electronegativity of oxygen, higher electronegativity is the tendency of electronegativity you must be knowing by now, it's the tendency of an atom to attract the shared pair of electron so if oxygen has more electronegativity खींच लेगा, लेगा अपना नहीं बना लेगा मतलब सा इसकी तरफ आ लेकिन अभी भी ही रहेगा ठीक है आई होप आई क्लियर बना सिमिलरली वे एच एच और यहाँ पे दरम्यान में आपने ओ लगा दिया था जो पानी बन गया था यहाँ पे आप एस पी लगा सकते हो जैसे मैंने पीछे आपको बात की थी कि एस और ओ दे मोट डायवेलेंट इन नेचर सो आप इनको रिप्लेस आपस में कर सकते हो नाउ दिस कंपाउंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इट इज अ वेरी बैड स्मेल लेट मी टेल यू इट इज अ वेरी बैड स्मेल ओके एंड देर इज अनादर कम लाइक दी सेट सी डबल बॉन्ड ऑ ऑन ईच साइड यू कैन ऑल्सो हैव सी डबल बॉन्ड एस ऑन ईच साइड सो दिस कंपाउंड इज एनोलॉगस्ट टू दिस कंपाउंड एंड एच टू एस गैस आरजन सल्फाइड गैस इज एनोलॉगस टू वॉटर ऑल राइट सो दिस वॉज अबाउट नॉन मेटल बॉन्डिंग जिसमें आपने यह याद रखना है कि दे आर कोवलेंट बॉन्ड्स और आप अगेन डायवेलेंट वाली नेचर से इसको रिलेट कर सकते हो द नेक्स्ट सिमिलैरिटी बिट्वीन ऑक्सीजन एंड सल्फर इज दैट दे आर नॉन मेटल्स बोथ ऑफ दम आर नॉन मेटल्स इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल इट हैज नथिंग जो कि मेटल से मिलती जुलती चीज़ हो ठीक है इट इज इन मोलिक्यूल मेटल्स मेटेलिक स्ट्रक्चर शो करते हैं या मोलिक्यूलर सॉलिड्स या मोलिक्यूलर गैसेज के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सो ऑक्सीजन इज अ मोलिक्यूल सल्फर इज ऑल्सो अ नॉन मेटल एंड इट हैज अ मोलिक्यूलर नेचर इज अ नॉन मेटल ठीक हो गया दिस इज अनदर दिस एक्चुअली द प्रॉपर्टी एंड नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टी इज सिमिलर बिटवीन दीज टू वो ये है कि ऑक्सीजन जो है ना ये फ्री एंड कंबाइंड स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करता फ्री स्टेट का मतलब ये होता है कि यू कैन फाइंड इट इन एटमोस्फियर इंडिपेंडेंटली ओ टू की फॉर्म में ठीक है और फ्री स्टेट में ये नॉर्मली एटमोस्फियर के अंदर एग्जिस्ट करता है कंबाइंड स्टेट में ये कहां एग्जिस्ट करता है रॉक्स के अंदर मसलन मिनरल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स ये सिलिका नाउ यू नो कि सिलिकेट्स में ये ऑक्सीजन जो है वो सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड होता है ठीक है ऐसा यू थ्री नॉर्मली जो जमीन के अंदर जितने भी सिलिकेट्स हैं कैल्शियम सिलिकेट सोडियम सिलिकेट इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं इनके अंदर ऑक्सीजन होता है ना एंड यू मस्ट बी नोइंग कि ऑक्सीजन इज एक्चुअली मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इनसाइड द सर्फेस ऑफ द अर्थ जमीन के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज़ है दैट इज ऑक्सीजन हालांकि जमीन के अंदर तो एक्चुअली तो मिनरल्स है ना लेकिन उन मिनरल्स में देर इज अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन ओवरऑल सो जब ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यानी किसी और चीज़ के साथ बॉन्डेड होता है तो भी ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है और इसी तरीके से फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है यानी अलग में भी ऑक्सीजन पाया जाता है द सेम इज ट्रू फॉर सल्फर सल्फर भी फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एंड कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है ठीक है सल्फर फ्री फॉर्म में एसेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ठीक है एंड कंबाइंड फॉर्म में सल्फर अगेन मुख्तलिफ रॉक्स की फॉर्म में पाया जाता है मिनरल्स हैं सल्फर के भी जिस तरह हमने सिलिकेट्स मैंने आपको बोले हैं इस तरीके से देर आर मिनरल्स ऑफ सल्फर टू सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी सिमिलैरिटीज देख ली हैं द फर्स्ट सिमिलैरिटी वॉज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थिंग वी सॉ के they have the same valence electron distribution in their outermost shells then we saw both of them are divalent they make two covalent bonds normally and then we saw that they have allotropes both of them have allotropes oxygen has two allotropes and sulfur has three allotropes primarily रॉम्बिक मोनोक्लिनिक एंड प्लास्टिक सल्फर एंड देर इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर बिटवीन द रॉम्बिक एंड द मोनोक्निक सल्फर समवेर अराउंड नाइन्टी से डिग्री सेल्सियस अब ये सब चीज़ें पड़ चुके हो बाए पहले दैन दे बोथ है पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन भी एक से ज्यादा एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं मॉलिक्यूल में और सल्फर भी देन वी सॉ कि जब ये मेटल्स के अंदर बॉन्डेड होते हैं बोथ शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ माइनस टू वो इस वजह से क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स मजीद इनमें आ जाए तो ओवरऑल इनके बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ तब होती है आई रिपीट जब ये मेटल्स के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं उसके बाद जब ये नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं तो उस वक्त इनके ऊपर चार्जेस नहीं आते बल्कि दे मेक कोवलेंट बॉन्ड्स और कोवलेंट बॉन्ड्स

All right.